खबर बाराबंकी से है, जहां पर बाराबंकी के दरियाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा नगर में बृहस्पतिवार की सुबह प्रसव के लिए पहुंची 24 वर्षीय जच्चा की प्रसव के बाद मौत हो गई। वहीं बच्चा स्वस्थ हालत में है। जच्चा की मौत के बाद साथ आए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं एम्बुलेंस न मिलने से महिला का शव ठेलिया द्वारा घर लाया गया। आपको बता दें, यहां पर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, बल्कि सरकार की इतनी सुविधा होने के बावजूद भी महिला के शव को ठेलिया से घर लाया गया। देखने को यही मिलता है कि अस्पताल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला दरियाबाद ब्लॉक क्षेत्र के तेलमा ग्राम पंचायत के मजरे सुरजवापुर निवासी देशराज शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने बृहस्पतिवार की सुबह 8:30 बजे 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा नगर लेकर गए थे, लेकिन डिलीवरी के बाद जच्चा की मौत हो गई और वहीं बच्चा स्वस्थ हालत में है। इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। रास्ते में ही हाफ डिलीवर थी, हाफ डिलीवर नहीं था, तो ये ऊपर लेके गए। तब तक मेरी स्टाफ नर्स प्रीति रावत देखी कि वो रेफर करने लायक नहीं है, तो बच्चे को डिलीवर यहीं करवा दी। लेकिन बच्चा भी अंडर वेट था और उसकी मम्मी जो जो महिला थी उसको रेफर कर दिया। उसका पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल कम था और हीमोग्लोबिन भी उसका कम था, तो इस वजह से उसको तुरंत रेफर कर दी और रेफर करने के दौरान ही कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हुई। बाराबंकी में तेज हवा व बेमौसम बारिश ने किसानों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। जी हां, आपको बता दें, बाराबंकी के आसपास के किसान जो इस समय तेज आंधी और बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें, किसान ने कड़ी मेहनत से खाद और साढ़ को लेकर के अपनी फसलों को बचाया था, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। सितंबर माह के अंत में किसानों को तेज बारिश ने बर्बाद करके रख दिया है, जहां देश के अन्नदाता के सामने एक नई मुसीबत आकर के सामने खड़ी हो गई है। कहने को वह देश के अन्नदाता हैं, लेकिन आपदा दो किसी को बताकर नहीं आती है। यही हुआ अन्नदाता के साथ, जिसमें पूरी मेहनत करने के बाद किसान अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन बेमौसम बरसात ने उसकी फसलों को धराशायी कर दिया। अब किसान जाए तो जाए कहाँ? इसके पहले भी न किसान को सरसों की फसलों का लाभ मिल पाया था और ना ही आने वाली इस समय जो फसल हो रही थी धान की, उसका भी लाभ मिल पाया। जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता के पास ही आती हैं। कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत के बाद किसान फसल तैयार करता है, ऊपर से रातों दिन खेत की रखवाली करता है, लेकिन मौका आने पर जब उसको कुछ मुनाफे की बात होती है तो बेमौसम की मार से वो खुद ब खुद परेशान हो जाता है। आगे उसका पालन पोषण, उसके खर्च कैसे निपटाए जाएं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम बता दें, अपना देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो नाकाफी हैं और किसानों के लिए जो भी समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, उनका निदान करना आवश्यक है। ए इजर न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता की रिपोर्ट।